नमस्कार दोस्तों, वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और हाथ पकड़ने वाला दोनों जिंदगी भर याद रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 8 दिसंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन है। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। आज की तिथि है एकादशी। आज का नक्षत्र है हस्त्र नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे। सुबह 7:01 पर सूर्यदेव अस्त होंगे, शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:54 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी शुभ काम करना है, इसी समय करिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:38 से दोपहर 3:19 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 12 और लकी कलर है लाल और मेहरून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचना चाहिए। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ सकती है। दोस्तों, कोई नुकसान या फिर दुर्घटना आपको घर के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जैसे ही किसी ट्रेनिंग के लिए अपने प्रियजनों से मिलने के लिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है। धन मिलने की भी संभावना है, इसका निवेश समझदारी से करें। आप में से कुछ आज स्वयं को अव्यवस्थित परिस्थितियों में पा सकते हैं, जिसमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। नए विचार आपके करियर में नया मोड़ ला सकता है। परिवार के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प रहेगा। याद रखें कि सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक अपनी कड़ी तपस्या से आप उसे महसूस नहीं कर लेते। जो धुन आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय रहने वाला है। आप अपने वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर के कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी दे सकती है। प्रिय का डावाडोल मिजाज आपको परेशान कर सकता है। संयम और साहस का दामन थामे रखें, खास तौर पर तब जब दूसरे आपका विरोध करें, जिसके कामकाज के दौरान संभावनाएं हैं। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। दोस्तों, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी बातें दूसरों को स्पष्ट रूप से समझाएं। सकारात्मकता का असर हर एक काम पर नजर आने वाला है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो जल्दबाजी ना करें। छोटी छोटी रुकावट की वजह से खुद को निराश ना बनाएं। पार्टनर और आपके बीच में विवादों को दूर करना होगा। पक्ष को समझने की कोशिश करें। तनाव के कारण सेहत बिगड़ सकती है, इसका ख्याल रखें। परिवार के लोगों से विचार विमर्श के लिए निर्णय बहुत अच्छा साबित होगा। घर में मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है। बच्चों से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से चिंताएं दूर होंगी तथा आप निश्चिंत होकर अपने कार्य प्रणाली पर ध्यान दे पाएंगे।
प्रेम व सौहार्दपूर्ण बना रह सकता है, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से मान हानि होने की भी संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। शॉपिंग आदि करते समय आप अपने मन को थोड़ा काबू करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अत्यधिक व्यय की स्थिति बन रही है। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आपके स्वभाव में कुछ गुस्सा चिड़चिड़ाहट आना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। माहौल मस्ती का है, आपकी मुलाकात काफ़ी आकर्षित व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे, सितारे पक्ष में हैं, यह आदमी आपका काफ़ी करीबी बन सकता है। काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ में खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी उनके बारे में पता चलेंगी। जीवन में अगर कोई भी परेशानी है तो अब आपका सामना पूरे दिल से हो सकता है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप हर चीज़ अच्छे से करेंगे। रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्यार के दो बोल और एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। वह जो भी करें दोस्तों, दिल से करें। परिवार के बच्चों के लिए ये समय संकट से भरा रह सकता है। आज कठिनाइयों से बाहर आने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है। चिंता ना करें, क्योंकि दोस्तों आपको सहायता जल्द ही मिलने वाली है। अपने लव के गुलशन में ऐसे ही बाहर रहे, इसके लिए आपको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। अपने साथी पर पूरी तरह से भरोसा रखें और इस भरोसे को दोस्तों कभी भी आप टूटने ना दें। बात करते हैं करियर के बारे में। जो लोग नए व्यापार या फिर जोड़ तोड़ मरम्मत आदि से संबंधित असाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वे अपने सपनों की दिशा में आज आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों लक आपके साथ है। जीवन में शांति या बेहतर संभावनाओं के लिए अभी आप भगवान का सहारा ले सकते हैं। शुभ दिन दोस्तों। जुए या फिर सट्टेबाजी से दूर रहें, आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने खास मित्र से संपर्क करें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचें और यह पता करें कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। याद रखें कि सपने विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर लेते। कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वह पहली बार में हतसाई लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों जल्दी ही वह आपके निर्णय अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये विचार आपको जोखिम भरा लगेगा, लेकिन जो भी आप करेंगे उसमें आनंद आएगा। जल्द ही इसमें दोस्तों सफल होने की भी उम्मीद भी रहेगी। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में भी दोस्तों नई नीतियां और योजनाओं के अच्छे नतीजे मिलेंगे। दोस्तों बड़े पार्टियों से फायदेमंद एग्रीमेंट मिलेंगे, इसके लिए कोशिश करते रहें। यात्रा का ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। यदि आप कोई नई वस्तु या फिर नए कार खरीदने की योजना बना रही हैं तो आज उसे तुरंत लाभ करें। संतान के किसी सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक उत्साह में जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अचानक बेवजह की खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों सभी काम करते समय बजट का ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत के बारे में। आप काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो आप अपनी उपलब्धियों पर खुश होना ही भूल जाते हैं। दोस्तों इससे खुशी महसूस करने के लिए भी प्रश्न बनाएं और उनके उत्तर भी आप अवश्य ढूंढें। प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं कि अगर घर में आपकी पसंदीदा फल मौजूद हैं तो क्या आपकी अलमारी में आपके पसंदीदा कपड़े हैं। इसके बारे में भी आप सोचें कि आप कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।